बाजार में मिलने वाली सब्जियों को उगाने में रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। इस स्थिति में लोगों ने भी अब अपना वैकल्पिक रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। भारी संख्या में लोग अब घर की छतों पर बागवानी कर जैविक तरीके से शुद्ध सब्जियां उगा रहे हैं। ऐसे में फसल की उपज और पैदावार को बढ़ाने के लिए हर रोज नए तरह के आविष्कार हो रहे हैं। साथ ही कई नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ही तकनीक है हाइड्रोपोनिक खेती। हाइड्रोपोनिक खेती से हो रहे मुनाफे को देखते हुए लोगों का रुझान इसकी तरफ काफी बढ़ रहा है। छत पर बागवानी कर सब्जियां उगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑर्गेनिक। इसमें सब्जियों को बोरी, ट्रे, मटके और गमलों में मिट्टी के अंदर लगाया जाता है। इसके विकास के लिए जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। साथ ही समय समय पर उन पौधों की सिंचाई की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। बता दें कि कुछ राज्य सरकारें घर की छत पर बागवानी के लिए सब्सिडी भी देती हैं। दूसरा तरीका थोड़ा अनोखा है। इसे हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं। इस तकनीक की खासियत है कि इसमें पौधों को लगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें पानी की सहायता से फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा जलवायु नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक खेती करने के लिए करीब 15 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें 80-85% आर्द्रता वाली जलवायु में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से हम पालक, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना, तुरई, भिंडी जैसी हरी सब्जियां बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। इसके अलावा उन सब्जियों को भी इस तकनीक के माध्यम से उगाया जा सकता है जो विदेशी मानी जाती है। मार्केट में भी इन सब्जियों की कीमत बेहद अधिक है। दोनों ही तरह से उगाई गई सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा इनका उपयोग व्यावसायिक तरीके से भी किया जाता है। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जहां घर की बालकनी और छत पर बड़े स्तर पर सब्जियां या फल का उत्पादन कर उन्हें बेच बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। आखिरी में हम जानते हैं हाइड्रोपोनिक खेती के क्या हैं लाभ। इस खेती का इस्तेमाल कर आप अधिक पानी की खपत से बच सकते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती में लगभग 90% पानी की बचत होती है। परंपरागत खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक खेती का इस्तेमाल कर कम जगह में अधिक पौधों को उगाया जा सकता है। इस विधि द्वारा पोषक तत्व बिना किसी हानि के आसानी से पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। फसल भी अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। इस तकनीक में पौधे मौसम, जानवरों या किसी तरह के जैविक व अजैविक कारणों से प्रभावित नहीं होते हैं। यदि आपने अपने घर की छत पर या बालकनी में पेड़ पौधे उगाना शुरू नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपको काफ़ी मुनाफा भी देगी और साथ ही आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर रखने वाली है। ये रिपोर्ट यही ख़त्म होती है। कृषि जागरण के लिए रुक्मणी चौरसिया की रिपोर्ट।